सो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज को वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया है एंड सैमसंग ने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो पहली बार उन्होंने किसी भी स्मार्टफोन के साथ करी हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग था लॉन्च इवेंट और काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगी है स्मार्टफोन के बारे में। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना क्योंकि आज मैं सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना रखें और फटाफट से स्टार्ट करते हैं उसकी नई नई फीचर लिस्ट के साथ। सो लिस्ट के अगर फीचर नंबर 1 की बात करते हैं, सो सैमसंग ने इस बार अपने कस्टमर के रिव्यू को लिया और इस बार वर्ल्ड वाइड उन्होंने स्नैपड्रैगन जेन 2 चिप के साथ लॉन्च कराया जो नेक्स्ट उन्हें कॉम्पिटिशन देता है A16 बायोनिक चिप को परफॉर्मेंस के अंदर। सैमसंग ने जो ये 8 Gen 2 चिप को लॉन्च कराया वो इनकी अपनी कस्टमाइज चिप है जो इन्होंने स्नैपड्रैगन से बनवाई है अपने पर्टिकुलरली S23 सीरीज के लिए। एंड साथ ही साथ ना इन्होंने इसके अंदर रे ट्रेसिंग को भी डाल दिया है जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस ना बहुत चेंज होने वाला है और आप इस स्मार्टफोन के अंदर अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे जो कि आप पुराने सैमसंग फ़ोन्स में आप नहीं कर पाते थे। सेकेंड ईयर अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो इस बार कैमरा के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। ऑलरेडी सैमसंग जूमिंग क्वालिटी में इतना ज़्यादा आगे अपने कंपटीशन से एंड 200 मेगापिक्सल का सेंसर उनके कैमरा इकोसिस्टम को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने वाला है। अब एक ये बड़ा सेंसर है तो इसके अंदर लाइट भी ज़्यादा कैप्चर होगी अच्छे से, तो वीडियो की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रोवाइज देखने को मिलेगी लास्ट जेन के कंपैरिजन में। ऑल्दो 108 मेगापिक्सल का जो लास्ट सेंसर था वो भी काफ़ी अच्छा था, वो भी जस्टिफाई करता था अपनी परफॉर्मेंस को, बट देखते हैं 200 मेगापिक्सल किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है क्योंकि इन्होंने लॉन्च इवेंट में दिखाया था कि इन्होंने इससे पूरी की पूरी एक शॉर्ट मूवी शूट करी है। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड फीचर की तरफ जो कि फिर से परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यार सिर्फ प्रोसेसर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है उसका रैम एंड स्टोरेज भी। इसलिए उन्होंने यूज़ करा है LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। अब 4.0 स्टोरेज का ना एक फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ 256 GB से ही स्टार्ट होती है। सो इसका मतलब है कि आपको ना बेस वेरिएंट 12 GB एंड 256 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलने वाला है। कैमरा के साथ यार एक और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि नाइटोग्राफी एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी। सो इसके अंदर क्या होने वाला है कि जब भी आप रात को कोई भी फोटोज़ खींचेंगे तो स्टार्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर होंगे, मून काफ़ी अच्छे से कैप्चर होएगा और ये चीज़ काफ़ी सारे फ़ोन्स अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहे और सैमसंग ने ये स्टेप उठाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि ना डिज़ाइन से रिलेटेड है। अब सैमसंग क्या अप्रोच अपनाना चाह रहा है कि वो एक डिज़ाइन पैटर्न को जैसे उन्होंने अपने S22 अल्ट्रा के अंदर करा था कि एक डिज़ाइन को लिया है, अब वो सारी की सारी सीरीज़ में उसी को यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली अब पहले जो कैमरा हाउसिंग हुआ करती थी मेटल की उसको रिमूव कर दिया गया है एंड उसकी जगह पे एक यूनी बॉडी डिज़ाइन कर दिया गया है बैक साइड के अंदर जो कि एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर दे उस फ़ोन को और वो भीड़ के अंदर शाइन कर सके। एंड S22 अल्ट्रा के अंदर जो कर्वेचर की प्रॉब्लम थी पहले कि साइड से कुछ ज़्यादा ही कर्वे एंड ग्रिप उसकी अच्छी नहीं लग रही थी, कई सारे लोगों को कंप्लेन आ रही थी, सो इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कर्वेचर को थोड़ा सा कम कर दिया एंड एजेस को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया जिससे हैंड में ग्रिप अच्छी बनी रही। ये सारे वही लोग होंगे जो एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं फिलहाल और फ्लैट एज की आदत पड़ गई उन लोगों को। इस नेक्स्ट फीचर के साथ है सैमसंग वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफोन बन जाता है जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन ऑफर करने वाले हैं, वो भी बैक में एंड फ्रंट में दोनों साइड में। एंड ये ग्लास माना जा रहा है कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला ग्लास होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास एंड मेटल फ्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन इसको एक काफ़ी ज़्यादा स्टर्डीनेस और एक रगिडनेस प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको लग सकता है कि ये तो लास्ट ईयर के मामले में डाउनग्रेड है क्योंकि सेल्फी कैमरा के 40 मेगापिक्सल का सेंसर को हटा के अब एक नया 12 मेगापिक्सल का सेंसर डाल दिया गया जो कि सेंसर नया है बट छोटा सेंसर है। अब तो देखना पड़ेगा यार इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल कर आती है रियल वर्ल्ड में। अब ज़रा डिस्प्ले की बात कर ही रहे थे तो एक चीज़ बात कर लेते कि इसके ना डिस्प्ले की रिजोल्यूशन को तो 2K ही रखा गया है बट ब्राइटनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। लास्ट टाइम ये 1300 निट्स की थी, अब ये 1750 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आने वाला है, यानी आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड ये थोड़ा क्लोज आ चुका है आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ। एंड साथ ही में 120 हर्ट्ज़ तीनों ही फ़ोन में आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो S23 हो, S23 प्लस हो या फिर S23 अल्ट्रा हो। सैमसंग के बारे में एक और फैक्ट पता लगा था कि वो सैमसंग की जो फैन एडिशन सीरीज़ थी उसको डिसकंटिन्यू करने वाले और जनरली ने जो फैन एडिशन सीरीज़ होती थी वो थोड़ी छोटे साइज़ की हुआ करती थी। सो इस हिसाब से ना यार एक चीज़ हो सकती है कि अब सैमसंग की जो फैन एडिशन सीरीज़ है उनको रिप्लेस करने वाले जो भी स्मार्टफोन होंगे वो नॉर्मल इनके सीरीज़ के स्मार्टफोन होने वाले,
मेरा मतलब ये है कि देर कुड बी अ चांस कि इनको रिप्लेस इनकी नॉर्मल सीरीज के ही स्मार्टफोन कर दे, जैसे S23, ये जो बेस वेरिएंट होने वाला है इनके सीरीज का, ये शायद फैन एडिशन सीरीज को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस के अंदर भी आ रहा है और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रहा है। डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि ये मेरा सोचने का तरीका है, क्योंकि फैन एडिशन सीरीज को अगर हटा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका रिप्लेसमेंट लाना ही पड़ेगा ना सैमसंग को, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर सीरीज है यार इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी की। सो S23 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 3847 mAh की बैटरी, S23 प्लस के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 4647 mAh की बैटरी, एंड S23 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी। अब सैमसंग जिस चीज़ में पीछे रहता है यार वो है चार्जिंग टेक्नोलॉजी, भाई वो नहीं करने वाला इम्प्रूव। तो उन्होंने अपने जो सबसे बेस स्मार्टफोन है इनका S23 उसके साथ 25W की चार्जिंग को ऑफर करा है, सेम गोज फॉर S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा के अंदर इन्होंने 45W की चार्जिंग ऑफर करी है। देखा जाए तो सैमसंग अपने एंड से सही काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उनके फ़ोन लॉन्गर टाइम्स के लिए टिके एंड उनकी बैटरी ज़्यादा रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी को भी डैमेज करती है। नेटवर्किंग की अगर बात कर लेते तो इसके अंदर अब देखने को मिलने वाला है वाईफाई 7 एंड 5G, तो यार अब कॉमन है, वो हर एक स्मार्टफोन के अंदर आ गया तो उसको ना भी मेंशन करी चलता है। अब वाईफाई 7 जो है कई सारे लैपटॉप्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके अंदर अभी वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी चल रही है। सो इट्स अ गुड थिंग कि सैमसंग अब नई वाईफाई टेक्नोलॉजी को लेकर आ चुका है अपने स्मार्टफोन के अंदर। सैमसंग ने मुझे एक बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है जो इनकी कैमरा से रिलेटेड है, चाहे फिर वो कोई 20,000 के आसपास का स्मार्टफोन हो, चाहे फिर वो उनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो, यार वो 4K फीचर ना दे देते हैं अपने कैमरा के साथ। एंड इस बार इन्होंने क्या करा है कि 4K फुटेज आप सेल्फी से रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ, एंड साथ ही साथ इन्होंने 4K पोर्ट्रेट वीडियो को भी ऐड कर दिया, जो कि लास्ट ईयर में नहीं था। एंड इसी के साथ ना एक और बोनस, आप 2K में सुपर स्टेडी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो पहले सपोर्ट नहीं किया जाता था और वो मोस्टली 1080p तक ही लॉक कर दिया गया था। एंड इट्स गुड टू सी यार सैमसंग हमेशा कैमरा से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे अपग्रेड्स लाते रहते हैं जिससे लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी इंप्रूव हो जाए। इसी के साथ थोड़े फोटोग्राफर्स के लिए और वीडियोग्राफर्स के लिए ना एक रॉ मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से खुद एडजस्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने ऑफर कर दिया 30MP का रॉ मोड, जिसके अंदर आप वीडियो और फोटोज़ दोनों को रिकॉर्ड करके अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं यार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। वी ऑल नो कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। वन UI ने जिस तरीके से जंप मारा था अपने पुरानी UI से, बहुत ही इंप्रेसिव था और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो सॉफ्टवेयर अपडेट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते रहने के लिए, और हमेशा उसके अपडेट्स आते रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वक्त सैमसंग ने एक स्टेप उठाया है कि वो अपने फ़ोन्स के साथ 5 years के सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉरी 5 years के सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड 4 years के सॉफ्टवेयर अपडेट्स को प्रॉमिस कर रहा है सैमसंग इस लॉन्च के साथ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा एक बिग स्टेप है सैमसंग के लिए, और कई सारी ब्रांड्स भी आप फॉलो कर दिए, जैसे ओप्पो हो गई, रेडमी हो गई एंड रियलमी भी हो गई। दैट्स इट, सारे फीचर्स के लिस्ट यहाँ पे एंड हो चुके हैं। बट अगर आप देखेंगे ना एक पैटर्न को नोटिस करना जितने भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, कि अब ज़्यादातर ना इनोवेशन वो लोग कैमरा के साइड में और AI फीचर्स के मामले में ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो वो बस एक नया प्रोसेसर ऐड कर देंगे एंड ख़त्म हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार सैमसंग अपने फ़ोन्स के साथ चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी और इम्प्रूव कर दे, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा यार 50 या 55W तक की प्रोवाइड कर दे, मोर देन इनफ होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय यार थॉट, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में भी डाल देना। देखा जाए तो ये तीनों ही स्मार्टफोन्स अपने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी नई नई चीज़ें भी ऑफर करते एंड नया डिज़ाइन के साथ 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 ही एक फ्रेश लुक भी लेकर आते हैं। हम ओवरऑल स्मार्टफोन को कंक्लूड करते हैं ना, तो तीनों ही स्मार्टफोन अपने साथ कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आए हैं। वो साइज़ जो S23 का था वो तो कॉमन ही ना, मेरे हिसाब से वो फैन एडिशन को रिप्लेस करने के लिए ही लाया गया है, बट इनकी डिज़ाइन में चेंज करना एक स्टैंड आउट लुक ज़रूर प्रोवाइड करने वाले इस फ़ोन को, और भीड़ में ज़रूर ये शाइन करने वाला है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना और अपने थॉट्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे एंगेजमेंट बढ़े। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।